सबसे बड़ा सवाल जो है अभी का जीएसटी में, जब से ड्यू डेट एक्सपायर हुई है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 और 9C की, तो एक सवाल अभी तक खड़ा है कि क्या पेनल्टी लगने वाली है फ्यूचर में, क्या नोटिस आने वाला है फ्यूचर में। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एनुअल रिटर्न के बारे में तो हम सबको पता है कि हम अगर डिलेड फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न, 9C एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर, और आप एनुअल रिटर्न अगर डिलेड फाइल करी है आपने फाइनेंशियल 18-19 की, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था, उस केस में हमें पता है कि हमें 200 रुपये पर डे की पेनल्टी देनी है। सेक्शन बोलता है 47, सेक्शन 47 ये बहुत बहुत क्लियर बोलता है कि अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट भर रहे हो आप, तो आपको 200 रुपये की पेनल्टी देनी है, सब्जेक्ट टू 0.25% ऑफ टर्नओवर इन रेस्पेक्टिव स्टेट। तो हमें पता है कि एनुअल रिटर्न जो जाएगी वो स्टेट वाइज जाएगी। लेकिन अब जो डाउट बना हुआ है वो डाउट ये बना हुआ है दोस्तों कि जीएसटीआर 9C अगर मैंने 31 दिसंबर के बाद फाइल करी है, लेट सपोज मैंने 1 जनवरी 2021 को ही फाइल कर दी है, तो मैं फाइल तो कर रहा हूँ उसको ड्यू डेट के बाद, तो क्या इसके लिए भी 200 रुपये की पेनल्टी है, या इसके लिए जो जनरल प्रोविजन है पेनल्टी का सेक्शन 125 मैं इसमें फॉलो जाता हूँ दोस्तों। तो इस पर बहुत आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलेगी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मिलेगा। लेकिन आज हम एक नई चीज़ डिस्कस करते हैं जो शायद वीडियो के एंड तक आप देखोगे तो आपको लग सकता है कि हाँ ये भी बात सही हो सकती है दोस्तों। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवानी है। बेसिकली आप 5 करोड़ के टर्नओवर को भी भूल जाओ, 5 करोड़ के टर्नओवर की बात हम कर ही नहीं रहे, टर्नओवर की बात कर ही नहीं रहे, हम सीधे बात करते हैं ऑडिट की। सेक्शन 35(5) बोलता है कि आपको जीएसटी में ऑडिट करवानी है, और वो ऑडिट जब करवाओगे उसकी जो आपको एनुअल रिटर्न भरनी है वो कैसे सबमिट करोगे आप, वो सबमिट करोगे आप, ये जो ऑडिट हो गई इस ऑडिट को आप सबमिट कैसे करोगे, वो आप सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में आप सबमिट करोगे। कहाँ सबमिट करोगे, सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में जो ऑडिट हुई वो कैसे सबमिट होगी, इट विल बी सबमिटेड अलोंग विद द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 2। जब आप सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 पढ़ोगे तो वहां पे आपको सेक्शन 44 का रेफरेंस मिल जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 बात करता है एनुअल रिटर्न सबमिट करने की। तो सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 बोलता है कि भैया आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करानी है हर साल एंड होने के बाद दिसंबर महीने तक अगले साल के। जैसे कि मान लो अगर मैं मार्च 20 एंड हुआ, उसकी डेट हो गई 1920 की डेट हो गई 31 दिसंबर 2020। हम ड्यू डेट्स को एक बार के लिए, जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं उनको की बात नहीं कर रहे, एक्ट वाइज अपन फिलहाल अभी जा रहे हैं। तो उसमें जो ड्यू डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। जी हाँ बिल्कुल भरनी है। अगर उसके अकॉर्डिंगली हम नहीं भर पाते तो 200 रुपये की पेनल्टी है। अब आप उसी का दूसरा सबसेक्शन जब पढ़ोगे, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44, जी हाँ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44, उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि अगर आपको सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में आपको ऑडिट करानी थी, क्या करवानी थी, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में आपको ऑडिट करवानी थी, तो आपको एनुअल रिटर्न भरनी तो है कहाँ पे, सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में ही भरनी है। आपको एनुअल रिटर्न भरी जाती है सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 में एनुअल रिटर्न नहीं भरी जाती है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप जाके उसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में ही एनुअल रिटर्न की बात है कि एनुअल रिटर्न आपको भरनी तो सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में ही है। अब 2 क्या बोल रहा है, 2 ये बोल रहा है कि अगर आपकी ऑडिट होनी थी तो आपको सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में जो एनुअल रिटर्न भरनी है उसके साथ में आप क्या अटैच करोगे, उसके साथ में आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी अटैच करोगे और जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं वो भी आप अटैच कर दोगे। तो सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 तो यही बता रहा है कि जो आप सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न, सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में जो आप एनुअल रिटर्न भरने जा रहे हो उसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स और लगाने हैं, और कुछ बात नहीं करी है सबसेक्शन 2 ने। सबसेक्शन 2 ने इतना ही बोला है कि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 की एनुअल रिटर्न के साथ आपको ये चीज और लगा देनी है अगर आपकी ऑडिट हुई है तो। तो जो एनुअल रिटर्न फाइल होगी वो तो फाइल होगी सेक्शन 44 के भी सबसेक्शन 1 में, ना कि सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हो रही है। सबसेक्शन 2 तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने के साथ क्या बता रहा है कि भैया जब आप ऊपर वाले सबसेक्शन में 1 में आप जब एनुअल रिटर्न भरोगे तो आपको उसमें ये डॉक्यूमेंट और अटैच करने, बस यहां वो शांत हो गया ये बोल के। 35(5) ने बोली थी आपको ऑडिट करवानी है। अब अगर मैंने नहीं भरी वो एनुअल रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई उसके साथ, पहली बात मैंने एनुअल रिटर्न भर दी
उसके साथ और मेरी ऑडिट हुई थी, लेकिन मैंने उस एनुअल रिटर्न के साथ वो ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं लगाए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 को फॉलो नहीं किया है। अगर आपने वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो मेरे हिसाब से आपकी वो एनुअल रिटर्न भी नल एंड वॉइड मानी जा सकती है, क्योंकि एनुअल रिटर्न को जो भरने का तरीका था वो सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में बताया था कि एनुअल रिटर्न के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट और लगाने थे, जबकि आपने नहीं लगाए हैं, तो वो नल और वॉइड भी आपकी हो सकती है, उसको शून्य भी माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं पेनल्टी के बारे में दोस्तों। तो पेनल्टी जो बोली गई है सेक्शन 47 में बोली गई है। सेक्शन 47 में ये बोला गया है कि अगर आप जो एनुअल रिटर्न भर रहे थे कहां पे, अंडर सेक्शन 44, अगर आप एनुअल रिटर्न भर रहे हो अंडर सेक्शन 44, उसमें आपने डिले किया है, तो आपको 100 रुपीज प्लस 100 रुपीज की आपको डिलेड फीस देनी पड़ेगी। मैक्सिमम लिमिट जो रख दी वो 0.25% ऑफ टर्नओवर रख दी। तो यहाँ सेक्शन 47 जब आप जाके पढ़ते हो तो उसमें जहाँ 200 रुपये की बात करी गई है, उसमें तो सेक्शन का जो रेफरेंस दिया गया है वहाँ पे लिखा है सेक्शन 44, वहाँ पे उन्होंने सेक्शन सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 नहीं लिखा है, उन्होंने केवल और केवल सेक्शन 44 लिखा है। सेक्शन 44 लिखने से क्या हुआ, सेक्शन 44 के जितने भी सबसेक्शन थे वो सारे इंक्लूड हो गई, कि सेक्शन 44 में जो आपको चीज़ें करनी थी ना, सेक्शन 44 में जो आपको चीज़ें करनी थी वो चीज़ें अगर आपने नहीं करी है तो आपको 200 रुपये पर डे देने पड़ेंगे। सेक्शन 44 में मुझे क्या क्या करना था, सेक्शन 44 के सबसेक्शन 1 में तो मुझे एनुअल रिटर्न भरनी थी, इसके लिए तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको एनुअल रिटर्न भरनी है, बात खत्म, सबके लिए बोल दिया कि आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। यहाँ तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। अब सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में एक एडिशनल चीज़ ये दे दी कि आप जो एनुअल रिटर्न ऊपर भर रहे हो ना उसके साथ ये डॉक्यूमेंट और लगा देना, दैट्स इट, बस इतना ही कहा उन्होंने, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट और लगा देना, इतना ही कहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 47 में जहाँ पेनल्टी की बात कर रही है, इन्होंने केवल सेक्शन 44 वर्ड यूज किया, ना कि सबसेक्शन 1 और 2। इवन ये सबसेक्शन 1 भी यूज करता और 2 यूज नहीं करता, इवन ये सबसेक्शन 1 ही यूज करता है कि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में जो आपको एनुअल रिटर्न भरनी थी वो आपने अगर टाइमली नहीं भरी है तो 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर इतना भी लिख देता तो भी मेरे हिसाब से 50,000 की पेनल्टी आपके ऊपर, जो जनरल पेनल्टी है सेक्शन 125 की, वो नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि जो एनुअल सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में आपको एनुअल रिटर्न भरनी है ये मैंडेटरी है आपके लिए। सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 तो ये बता रहा है कि जो आपको सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में जो एनुअल रिटर्न भर रहे हो वो कैसे भरनी है, उसके साथ और क्या लगाना है अगर आपकी ऑडिट हुई है तो अल्टीमेटली वो जा तो उसी में ही है, वो जो आपका ऑडिटेड अकाउंट्स है GSTR 9C है वो पार्ट तो आपके GST की जो एनुअल रिटर्न है उसी का ही है, बस उस एनुअल रिटर्न में आपको 9C और लगाना था, दैट्स इट, और कुछ अलग नहीं करना था आपको, उसी में आपको 9C और लगाना था। तो आपकी जो रिटर्न जाएगी एनुअल रिटर्न अलोंग विद 9C वो जा तो सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में ही रही है, 2 में नहीं जा रही, 2 ने तो तरीका बताया है। तो सेक्शन 47 में जो पेनल्टी की बात करी है वहां वर्ड उन्होंने सेक्शन 44 यूज किया है, तो केवल वर्ड सेक्शन 44 यूज करने से तो वैसे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि जनरल प्रोविजन जो जनरल पेनल्टी है 125 की वो प्रोविजन नहीं लगना चाहिए। अगर वो वर्ड ये भी यूज कर देते कि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1, अगर ये भी वो वर्ड यूज कर देते तो इसकी भी पेनल्टी दी गई है दोस्तों। अब सेक्शन 35 और सबसेक्शन 5, अब आपकी क्वेरी ये हो सकती है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 ऑडिट तो वहां रही है, अगर आपने ऑडिट नहीं कराई तो उसकी तो पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में टाइम लिमिट नहीं दी है उन्होंने ऑडिट की, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में अलग से टाइम लिमिट नहीं दी है, उन्होंने ये बोला है कि आपको ये जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स लगाने हैं वो सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में जो एनुअल रिटर्न बताई गई है उसके साथ आपको अटैच करने हैं। तो ऑडिट की अलग से डेट नहीं है, जो डेट है, जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट बेसिकली आपकी हुई है GSTR 9 की, और GSTR 9 को भरने का जो तरीका है ऑडिट के केस में उसमें आपके 9C भी अटैच हो जाएगी दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये इंटरप्रिटेशन हमें भी बहुत हद तक सही लग रही है, कल को अगर नोटिस भी आता है तो आप ये जवाब लिख के दे सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस वो नोटिस वहीं पर खारिज हो जाए और आपको पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़े। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सबके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी के जरूर काम ये आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिना आप एग्जिट मत होना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।